ना। मेरा टिफिन लाओ भाई जल्दी। हाँ लाई। ये लीजिए आपकी पसंदीदा सब्जी बनाई है, बचा के मत लाइएगा, पूरी खा लीजिएगा। पसंदीदा तो तुम हो, कहो तो तुम्हें खा लो। अरे क्या कर रहे हो, टिंकू देख लेगा। अरे बच्चा है वो। बस बहुत हुआ, चलो जाओ, देर हो रही है, देर हो रही है आपको। कुछ तो गड़बड़ है, इसकी नजरें हर वक्त मुझ पर ही क्यों होती है? मुझे पता लगाना पड़ेगा। टिंकू, टिंकू बेटा यहाँ आओ। हाँ भाभी। हाँ राकेश को कैसे बोलूं? क्या वो मेरी बात पे विश्वास करेगा? ओ गहना, मैंने आज तुम्हें कितना याद किया। नहीं राकेश। क्या हुआ? देखो मैं ऐसे खुले में कहीं भी कुछ भी नहीं करेंगे। टिंकू हर जगह मुझे देखता रहता है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। गहना वो बच्चा है, पूरे घर में घूमता रहता है, उससे क्या शर्माना। बच्चा है ठीक है, तुम्हें जो भी करना है मेरे साथ कमरे में करो, ऐसे खुले में नहीं। लेकिन कहना मेरी बहुत सारी ख्वाहिशें तुम्हारे साथ, तुम्हें अलग अलग तरीके से प्यार जताना चाहता हूँ, कमरे में नहीं। तो अपनी ख्वाहिशों को मार दो, मैं ऐसे टिंकू के सामने कुछ भी नहीं कर सकती। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, टिंकू को कुछ दिनों के लिए मामा मामी के पास छोड़ आता हूँ, टिंकू का माइंड भी फ्रेश हो जाएगा और हमारा काम भी हो जाएगा, और फिर कुछ दिनों बाद उसे वापस ले आऊंगा। अब तो खुश? आओ लल्ला। मामी मामी आ गया हमारा लल्ला। दूध पीना। हमारे लल्ले की ये आदत गई नहीं ना, चल बैठो। बच्चा है तुम्हारा प्यारा बेटा, जिसे तुम कब से याद कर रही थी। हम तो चाहते ही ये है कि ये हमारे साथ रहे। अरे हम भी तो कब से यही सोच रहे थे। चलो अब ये सब बातें बाद में करेंगे। हाँ। अभी इसे अंदर लेके चलो। हुँ? इसे दूध पिलाओ, खाना खिलाओ। अरे भूख लगी होगी लल्ला को। भूख लगी। चल चलो बेटा चलो। कितना दुबला पतला हुआ है हमारा बेटा। राकेश ख्याल ना रखे इसका। हम तो यही चाहते हैं कि ये हमारे साथ रहे, बचपन से इसे हमने बेटा माना है। हाँ, अब हमरी तो कोई औलाद ही ना, इसे ही देखकर अपना मन बहला लेते हैं। चलो ये सब बातें छोड़िए, आप लल्ला के लिए एक मिठाई लेके आइए, लल्ला को मिठाई बहुत पसंद है। हाँ हम अभी लेकर आते हैं। जी जल्दी आइए। लल्ला थोड़ा रुको, मैं तुम्हारी मालिश कर देती हूँ। हाँ लल्ला चलो तुम्हारी मालिश कर देती हूँ मैं।
निकालो इसे। चल मेरे गोरे टिक टिक, चल मेरे गोरे टिक टिक, चल मेरे गोरे। अजी सुनते हो? खाना तैयार हुआ है, बैठिए चलिए। ठीक है आते हैं, चलो लल्ला पहले खाना खाते हैं। नहीं नहीं, मेरे को अभी और भी खेलना है। अरे लल्ला पहले खाना खाते हैं फिर और खेलेंगे। पक्का? हाँ पक्का। ये 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 चलो बैठो बैठो। लल्ला आराम से खाओ, जल्दी क्या है। रुको मैं खिलाती हूँ तुम्हें। कितना प्यारा है ना लल्ला हमारा। लेकिन भगवान ने बहुत बुरा किया हमारे लल्ला के साथ। अभी ये हमारे हाथ में थोड़ी ना है। दीदी बहुत प्यार करती थी लल्ला से, जब तक वो थी हमेशा अपनी पलकों पर बिठा के रखती थी अपने लल्ला को। तुम भी अपने आंचल में छुपा के रखना अपने लल्ला को, कभी से कोई शिकायत का मौका मत देना। आप बिल्कुल भी फिकर ना करें, इसे मैं हमेशा सीने से लगा के रखूंगी। दीदी की आत्मा को शांति मिल जाएगी। ये लो लल्ला। टिंकू अभी तक सोए नहीं हो? चलो मैं दूध लेके आती हूँ, बैठ। अजी सुनिए ना, कुछ काम कर रहे हो? नहीं बस वो लिख रहा था कुछ। चाय लीजिए। मुझे जरा आपसे टिंकू के बारे में बात करनी थी। क्या बात है? लल्ला ठीक तो है ना? हाँ हाँ वो ठीक है। हमें ऐसा लग रहा है कि उसकी जवानी अभी जाग रही है। अरे जवानी क्यों नहीं जागेगी, उसका दिमाग 2 साल का है, लेकिन शरीर से तो जवान है ना। हमें तो उसकी चिंता हो रही है, पता नहीं आगे जिंदगी कैसे काटेगा। तुम उसका अच्छे से ख्याल रखो, उसे जो चाहिए वो देना।
जी। अब हमें ही उसको संभालना होगा। ये राकेश और लक्ष्मी ना, ये तो कुछ नहीं करने वाले। वो तो है, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगी।